आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में देखा है कि एक एस्ट्रॉयड है जो कि डायरेक्टली अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। और एक टाइम पे जब ये एस्ट्रॉयड इस सेंटर से 10 आवर की दूरी पे था, उस टाइम पे इसकी स्पीड हमको दे रखी है दैट इज 12 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन ने बोल रखा है कि जब ये एस्ट्रॉयड आके इस अर्थ के सर्फेस को स्ट्राइक करेगा तो उस टाइम पे उसकी स्पीड कितनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे हमको दे रखा है इन्फॉर्मेशन कि इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। ओके, तो अगर मैं अर्थ का मास मान लेता हूँ कैपिटल एम, ठीक है, तो आपको पता है कि जो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, ये होता है रूट अंडर 2 × g × M डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। और ये हमको दे रखा है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लेट्स से जब ये एस्ट्रॉयड आके अर्थ के सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो उस टाइम पे इसकी जो स्पीड है मान लेते हैं कुछ वी है इस तरफ, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन और मैकेनिकल एनर्जी लगाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है, ये हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ इंटू मान लेते हैं इस एस्ट्रॉयड का मास स्मॉल एम, ठीक है, इंटू ये आएगा मेरा 12 स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे इसकी वजह की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई ये हो जाएगा डिस्टेंस है 10 आर, ठीक है। और ये हो जाएगा बराबर टोटल एनर्जी एट दिस पॉइंट, ठीक है, जो कि हो जाएगा हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, ठीक है, और ये जाएगा माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर, ठीक है। ओके, तो यहाँ से आप स्मॉल एम हर साइड से कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये जो मेरा बन गया क्वेश्चन कितना हो गया, ये हो गया 12 स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और ये माइनस जी इंटू कैपिटल एम डिवाइड बाई 10 आर, ये आ गया बराबर वी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ये आ गया माइनस जी इंटू कैपिटल एम बाई आर, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा वी स्क्वायर बराबर ये आ गया मेरा 12 स्क्वायर प्लस ये आ गया मेरा 9 × g × M/10 आर, ठीक है, इंटू 2, ठीक है। तो यहाँ से हमको पता है कि 2gm/r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 11.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो यह आएगा मेरा 12 स्क्वायर प्लस 9/10 × यह आ गया मेरा 11.2 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो मेरी v की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, हो जाएगा मेरा सिंपली 12 स्क्वायर प्लस 9/10 × 11.2 का स्क्वायर, ठीक है, और इसका रूट, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 16.02 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आंसर, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।